तो फाइनली गाइस यार मुझे ये वाला न्यू सुपरमैन अपनी इंडियन वर्सेस वाली गेम के अंदर मिल चुका है। नहीं मैं नहीं मानता। अरे हाँ यार गाइस, मुझे अपनी गेम के अंदर वाला न्यू सुपरमैन अपनी गेम के अंदर देखने को मिल चुका है बे साले। क्योंकि यार गाइस आज की सली वीडियो के अंदर फिर से हम सब लोग मिथ बसेस को कंफर्म या फिर बस करने जा रहे हैं, तो इसी वजह से यार गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। अगर अभी तक आपको लगने हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना कोई देरी करे जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सब के पास अपना कोई मिथ हो तो इसी वीडियो को नीचे अपना मिथ कमेंट कर देना। बाकी चलो आप सब लोग का बिना कोई टाइम गवाए फटाफट से हम लोग अपने सबसे बड़े वाली मिथ की तरफ यहाँ पर बढ़ लेते हैं। मिथ, अगर आप बाइक को वीली मारोगे तब गन के सेक्शन को ओपन कर देना और आपकी बाइक बिना मून ग्रेविटी के भी उड़ने लग जाएगी। तो चलो फटाफट से इस मिथ को हम लोग यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। चलो फटाफट से यहाँ पर अपनी बाइक को स्पॉन कर लेता हूँ। 400 की चिटको नंबर से यहाँ पर हमारी ZX9R बाइक आ चुकी है, तो फिर चलो बिना कोई देरी करे हम लोग यहाँ पर इस मिथ को यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। तो मैं अपनी ZX9R बाइक के अंदर बैठ चुका हूँ। चलो फटाफट से इसको चलाते चलते यहाँ पर मैं वीली करता हूँ एंड फिर हम लोग अपने गन वाले सेक्शन को यहाँ पर ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर रास्ता खाली है तो यहाँ पर मैं अपनी वीलिंग कर दी एंड यहाँ पर मैंने गन वाला सेक्शन भी ओपन कर दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एंड भाई साहब यहाँ पर देखो गन वाला सेक्शन ऑन करे तो मेरे को काफी ज्यादा टाइम हो गया, पर फिर भी यहाँ पर देखो हमारी जो बाइक है वो यहाँ पर उड़ नहीं रही है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो एंड चलो मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर जो हमारा गन वाला सेक्शन है इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ एंड यहाँ पर फिर से मैं विलीक करता हूँ। यहाँ पर देखो भाई साहब गन वाला सेक्शन तो ओपन करना भूल गया और मेरा करेक्टर यहाँ पर उड़ चुका है भाई साहब एंड यहाँ पर नीचे आ चुका है। भाई साहब मैं बच गया, मैंने अपनी इन्फिनिट हेल्थ भी यहाँ पर नहीं लगाई हुई है। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं एक और बाइक को यहाँ पर अपनी स्पॉन कर लेता हूँ। अब मेरे ख्याल से ZX9R को तो नहीं, अब यहाँ पर मैं कावासाकी निंजा H2R को स्पॉन कर लेता हूँ। 3000 की चिटको नंबर से यहाँ पर हमारी कावासाकी निंजा H2R आ रही है। पर यहाँ पर भाई साहब ये देखो यहाँ पर हमारा ग्लिच हो चुका है। यहाँ पर तो हम लोग को कावासाकी निंजा H2R का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं देखने को मिल रहा है जिसके अंदर हम लोग कावासाकी निंजा के अंदर बैठ पाएंगे। चलो 4x8 के चिटको नंबर से यहाँ पर अपनी ड्यूक को मंगा लिया। चलो ड्यूक के साथ ही हम लोग इस वाले मिथ को यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो ड्यूक के अंदर बैठ चुका है एंड चलो फुल्ली अब विली करूंगा। उसके बाद यहाँ पर गन वाला सेक्शन यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। सब लोग यहाँ पर देखो एंड यहाँ पर भाई साहब हमारी बाइक तो अभी भी यहाँ पर नहीं उड़ रही है। आप सब लोग यहाँ पर देखो, चलो भाई साहब मेरे ख्याल से मेरे को पूरी की पूरी विली करनी पड़ेगी, मतलब कि हमारी बाइक पूरी की पूरी यहाँ पर स्ट्रेट हो जाएगी, फिर हम लोग गन वाला सेक्शन ओपन करेंगे। क्या पता फिर यहाँ पर हमारी बाइक उड़ सकती है यार यहाँ पर। चलो शुभकामनाएं देरी कैसे। चलो फटाफट से यहाँ पर अपने ये वाला सेक्शन तो यहाँ पर हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फुल्ली यहाँ पर मैंने विली कर दिया, यहाँ पर मैंने गन वाला सेक्शन खोल दिया। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो, अब की बार मेरे ख्याल से हमारी यहाँ पर बाइक उड़ सकती है। तो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो बाइक है वो भाई साहब यहाँ पर हमारे जमीन से ऊपर आ चुकी है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो और मैंने कोई भी यहाँ पर मून ग्रेविटी वगैरह नहीं लगाई है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर बाइक अपनी सीधी कर दी थी विली मार के, फिर अपने यहाँ पर गन वाला सेक्शन को ओपन किया। यहाँ पर हमारी जो बाइक है वो भाई साहब यहाँ पर हमारी फ्लाइंग बाइक बन चुकी है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो कितनी खतरनाक सा भाई साहब ये वाला मैजिक हो चुका है। अरे भैंस की यहाँ पर देखो मैंने मून ग्रेविटी भी नहीं लगा के रखी एंड यहाँ पर देखो गन वाला सेक्शन जैसे यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ तो यहाँ पर हमारी बाइक नीचे आ रही है। फिर से यहाँ पर गन वाला सेक्शन को खोल रहा हूँ तो यहाँ पर हमारी बाइक ऊपर जाती जा रही है और मैंने कोई भी मून ग्रेविटी यहाँ पर लगा के नहीं रखा हुआ। आप सब लोग इस मिथ को ट्राई करना, आप सब लोग की बाइक भाई साहब यहाँ पर बिना मून ग्रेविटी के यहाँ पर इंडियन वर्सेस वाली गेम के अंदर उड़ने वाली है, उड़ सकती है। आप सब लोग की जैसे कि मैंने ट्राई किया, आप सब लोग भी वैसे ट्राई करना, आप सब लोग की बाइक भी जरूर उड़ेगी बिना मून ग्रेविटी के। बाकी ये वाला मिथ यहाँ पर हमारा कंफर्म होता है यार दोस्तों, खतरनाक सा यहाँ पर हमारा मैजिक हो चुका है। हमारी बाइक तो यहाँ पर उड़ रही थी बिना मून ग्रेविटी की। अगर आप पुलिस स्टेशन की छत पर जाना चाहते हैं तो फिर बिग जेट पे पुलिस स्टेशन के सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो होगा मैजिक। तो चलो फटाफट से स्विमिंग पूल के अंदर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। स्विमिंग पूल के अंदर तो नहीं, मतलब कि पुलिस स्टेशन के अंदर। अब यहाँ पर जैसे कि भाई ने बोला था कि बिग जेट पैक को स्पॉन करो, तो फटाफट से यहाँ पर 320 के चिटको नंबर से अपने बिग जेट पैक को भी यहाँ पर मैंने स्पॉन कर लिया। अब चलो फटाफट से इसके अंदर बैठता हूँ। यहाँ पर फिर सेकंड फ्लोर के यहाँ पर बगल में ही जाकर यहाँ पर मैं एग्जिट मारता हूँ, फिर देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन सा मैजिक होता है। तो ये रहा हमारा यहाँ पर सेकंड फ्लोर, थोड़ा बहुत और ऊपर यहाँ पर मैं लेके जाता हूँ तो यहाँ पर इतना तो ठीक है मेरे ख्याल से, थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। वैसे तो ऊपर जाता ही जा रहा है चलो मैं यहाँ पर इसको फटाफट से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर अब ये सेट हो चुका है। अब चलो फटाफट से यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यार यहाँ पर मैंने जैसे एग्जिट किया तो यहाँ पर मैं पुलिस स्टेशन के सेकंड फ्लोर के अंदर आ चुका हूँ। जैसे कि भाई ने बोला था कि यहाँ पर बिग जेट पैक को लो एंड यहाँ पर सेकंड फ्लोर की दीवार पर इसको सटाओ, फिर आप सब लोग यहाँ पर एग्जिट करो। तो आप सब लोग इस तरीके की मदद से आप सब लोग अपने यहाँ पर पुलिस स्टेशन के सेकंड फ्लोर के अंदर आ सकते हो। आप सब लोग भी भाई साहब इस लिमिट को जरूर जरूर ट्राई करना अपनी गेम के अंदर, फिर आप सब लोग भी भाई साहब यहाँ पर आ सकते हो सेकंड फ्लोर के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर। बाकी यहाँ पर मैं टार्जन कार को मंगा रहा था, वो तो यहाँ पर ऊपर स्पॉन होगी, बाकी वाला मैं तुम्हारा कंफर्म है। तो हमर और साइकिल में एक साथ बैठो, पर जब आप साइकिल से एग्जिट करेंगे तो एग्जिट करते वक्त हमें कैमरा चेंज करना और फिर हमको स्काई फोर का चीट कोड लगाना है, फिर होगा मैजिक। तो चलो फटाफट से यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी यहाँ पर हमर कार को स्पॉन कर लेता हूँ 8880 के चीट कोड नंबर से, उसके बाद 4x1 के चीट कोड नंबर से यहाँ पर हमारी साइकिल आ चुकी है। अब चलो फटाफट से यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी इन्फिनाइट हेल्थ लगा ली है, उसके बाद यहाँ पर मैं इन दोनों के अंदर बैठता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर बैठने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर मेरा करेक्टर साइकिल के अंदर बैठ चुका है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते
साइकिल के अंदर किस तरीके से बैठा हुआ है। यहाँ पर देखो मैंने फर्स्ट पर्सन करके यहाँ पर कैमरा एंगल, यहाँ पर मतलब कि कैमरा एंगल चेंज करके यहाँ पर मैंने इन दोनों से उतरो मतलब की साइकिल से उतरो एंड चलो अब मैं यहाँ पर स्काई फॉल लगा दू, फिर देखते हैं कौन सा यहाँ पर मैजिक होता है। मेरे ख्याल से मैंने भाई साहब यहाँ पर कुछ गड़बड़ी यहाँ पर कर दी है, यहाँ पर देखो स्काई फॉल करते हुए भी एंड यहाँ पर मेरा फर्स्ट पर्सन कैमरा भी होके रखा है, फिर भी यहाँ पर हम लोग को कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखा रहे। मेरे ख्याल से हम लोग को यहाँ पर हमारा जो बंदा है वो अगर मैं फर्स्ट पर्सन करता तो यहाँ पर मेरे को हमर कार का व्यू दिखाता, पर अब आप सब लोग यहाँ पर देखो हमारा तो यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर मैजिक नहीं हुआ है। चलो फटाफट से एक और बार यहाँ पर मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर देखो हमारी हमर कार यहाँ पर डिस्पोन हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, एक और बार यहाँ पर मैं अपनी हमर कार को स्पोन कर लेता हूँ 8880 के चीट कोड नंबर से। फटाफट से स्मिथ को मैं दोबारा से यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ। यार दोस्तों यहाँ पर मैंने 8880 के चीट कोड नंबर से अपनी हमर कार को स्पोन कर लिया। अब चलो फटाफट से इन दोनों के अंदर यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो हमारा करेक्टर यहाँ पर साइकिल के अंदर बैठ चुका है एंड यहाँ पर मैंने फर्स्ट पसंद कर दिया एंड यहाँ पर अब मैं अपनी यहाँ पर साइकिल से उतर चुका हूँ। यहाँ पर मैं अपनी फटाफट से यहाँ पर सेलफोन खोलता हूँ। यहाँ पर देखो सेलफोन भी हमारी हमर कार के अंदर खुल रही है। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं अपना स्काई फॉल का चीट कोड नंबर लगा लेता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा यहाँ पर मैजिक होता है। तो यहाँ पर मैंने 1120 यहाँ पर अपना चीट कोड लगा दिया है। तो आप सब लोग यहाँ पर देखते हो मेरी तो पूरी की पूरी स्क्रीन यहाँ पर ब्लैक हो चुकी है। मेरे ख्याल से हमारी गेम यहाँ पर भाई साहब उड़ चुकी है, हमारी गेम यहाँ पर क्रैश कर जा चुकी है मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो हमारी यहाँ पर स्क्रीन यहाँ पर ब्लैक नहीं होती है। मेरे ख्याल से तो हमारी यहाँ पर फोन मतलब की गेम यहाँ पर हमारी क्रैश कर चुकी है। अगर फोन क्रैश कर गई हो चुकी तो भाई साहब यहाँ पर तो कुछ और ही सीन हो जाता। और आप सब लोग यहाँ पर देखो हमर कार के यहाँ पर मेरे को कंट्रोल्स भी आ रहे थे एंड यहाँ पर देखो भाई साहब मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पर आवाज भी ऐसा आ रहा है कि मेरा करेक्टर यहाँ पर नीचे या फिर ऊपर गिर रहा है, पता नहीं भाई साहब यहाँ पर क्या हो गया। बाकी यहाँ पर खतरनाक सी ब्लैक स्क्रीन हो गई, तो यहाँ पर वाला मैं तुम्हारा कन्फर्म है क्योंकि मैजिक हो चुका है। विथ ट्रेन के ऊपर इंडिया का फ्लैग लगा है, तो चलो फटाफट से हम लोग स्मिथ को भी यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ट्रेन स्टेशन पर एंड आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी ट्रेन है इसके पूरे यहाँ पर आगे फेस पर ही भाई साहब यहाँ पर हमारे इंडिया देश का यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी ट्रेन है उसके आगे ही भाई साहब यहाँ पर पूरा सामने मुंह पर यहाँ पर इंडिया का फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी और जगह पर भी यहाँ पर हमारे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी यहाँ पर जो हमारा इंजन है यहाँ पर ट्रेन वाला उसके यहाँ पर आगे तो यहाँ पर लगा हुआ होता है इंडिया का फ्लैग, बाकी मेरे ख्याल से जो इंजन का मुंह वो पीछे भी है भाई साहब यहाँ पर हमारे इंडिया का लगा हुआ होगा यहाँ पर फ्लैग भाई साहब मेरे ख्याल से, क्योंकि जो हमारा इंजन का आगे वाला मुंह है वैसे यहाँ पर हमारे पीछे वाले इंजन का भी यहाँ पर मुंह है। बाकी यहाँ पर ये वाला मैं तुम्हारा कंफर्म होता है जो हमारी ट्रेन है उसके ऊपर यहाँ पर हमारे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है हमारे इंडियन वैक्सीन गेम के अंदर, ये वाला मैं तुम्हारा कंफर्म है। बाकी बढ़ लेते हैं अगले मिथ की तरफ। मिथ अगर आप एक ही फुट से लेके उसके बटन दबाते कोई भी बाइक में बैठोगे फिर आप उतरोगे तो आपका टॉर्च मोड लग जाएगा, फिर आप स्कोप लगाओगे तो आपका ऑटोमेटिक फायर मोड लग जाएगा। तो चलो फटाफट से इस मिथ को यहाँ पर ट्राई करते हैं, अपनी बाइक को मांग लेते हैं 400 के चीट कोड नंबर से। चलो फिर हम लोग यहाँ पर अपनी बाइक के पास जाते हैं एंड यहाँ पर मैंने अपनी AK-47 को हाथ में ले लिया एंड चलो हम लोग यहाँ पर इसकी गोलियां फायर करते करते यहाँ पर अपनी बाइक के अंदर बैठते हैं, देखते हैं कौन सा मैजिक होता है। तो यहाँ पर अपनी गोलियां फायर कर रहा हूँ एंड यहाँ पर अपनी बाइक के अंदर बैठ चुका हूँ। अब चलो फटाफट से यहाँ पर अपनी बाइक से उतरता हूँ, फिर अपनी AK-47 को हाथ में लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने अपनी AK-47 को हाथ में ले लिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो टॉर्च मोड है वो यहाँ पर हमारा लग चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एंड अगर भाई साहब यहाँ पर मैं अपना स्कोप ऑन करूंगा तो यहाँ पर हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे जो गन है उसमें से यहाँ पर फायरिंग होना शुरू हो जाएगी। चलो फटाफट से यहाँ पर अपना स्कोप ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या होता है। बाकी टॉर्च मोड तो यहाँ पर लग चुका है, तो यहाँ पर चलो फटाफट से यहाँ पर मैंने स्कोप खोला। तो भाई साहब आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर कोई भी फायर का बटन यहाँ पर नहीं दबाया, फिर से यहाँ पर स्कोप ऑन किया तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो हमारा जो ऑटोमेटिक फायर है वो भी यहाँ पर लग चुका है, ऑटोमेटिक फायर का भी यहाँ पर हमारा मोड लग चुका है। और देखो यहाँ पर जो मेरा फायर का बटन है उसके ऊपर मैंने हाथ भी नहीं रखा भाई साहब। यहाँ पर देखो मैं जैसे स्कोप को ऑन ऑफ कर रहा हूँ, जैसे स्कोप को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारी AK-47 उसमें से भाई साहब यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फायर हो रहा है, खुद ब खुद भाई साहब फायर हो रहा है। मैं तो फायर कर भी नहीं रहा, मैंने तो फायर वाले बटन पर अपनी उंगली तक यहाँ पर नहीं रखी हुई है भाई साहब, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो। एंड वैसे भी यहाँ पर मेरी पुलिस आ चुकी है एंड यहाँ पर मैंने देखो पुलिस की गाड़ी को यहाँ पर ऑटोमेटिक फायर से यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। बाकी ये वाला मैं तुम्हारा कंफर्म होता है यार यहाँ पर ये वाला दोस्तों हमारा, अगर आप जेसीबी और हॉर्स में बैठोगे तो होगा मैजिक। तो फिर चलो यार दोस्तों फटाफट से बिना कोई तरीके सबसे पहले तो यहाँ पर अपने जेसीबी को स्पोन कर लेता हूँ 6677 के चीट कोड नंबर से, उसके बाद यहाँ पर 200 के चीट कोड नंबर से यहाँ पर अपने हॉर्स को भी स्पोन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने हॉर्स को स्पोन कर लिया, चलो फटाफट से यहाँ पर मैं हॉर्स को यहाँ पर जेसीबी के बगल में यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर इन दोनों के अंदर यहाँ पर बैठते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा मैजिक होता है। बाकी मेरे ख्याल से मेरे को तो नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर जेसीबी को भी यहाँ पर ड्राइव कर पाएंगे। यहाँ पर इन दोनों को साथ में लेके आ चुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों के अंदर बैठने का तो बटन भाई साहब देखो साथ में दबाया। आप सब लोग को मेरे ऊपर तो यहाँ पर यकीन करना होगा, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पर हम लोग को जेसीबी का व्यू नहीं दिखा रहा। पर यहाँ पर देखो जिस डायरेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर अपना जो है मतलब कि जैसे मैंने जंप किया और यहाँ पर मैं अपनी दिशा तब्दील करी तो यहाँ पर हमारा जो जेसीबी है उसने भी भाई साहब यहाँ पर अपनी यहाँ पर जो दो यहाँ पर इस साइड वाले इसके जो टायर है वो इसने यहाँ पर ऊपर उठा दिए थे। पर यहाँ पर आप सब लोग देखो मैं जैसे ही जिस डायरेक्शन के अंदर अपने जॉयस्टिक को मूव कर रहा हूँ तो उसी डायरेक्शन के अंदर भाई साहब यहाँ पर जो इसका दरवाजा खुला हुआ है वो भाई साहब यहाँ पर देखो पूरा का पूरा यहाँ पर हमारे जेसीबी का आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो मूव कर रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा भाई साहब यहाँ पर 360 डिविलियर यहाँ पर हमारा बना हुआ है जेसीबी का दरवाजा आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर मैं अपने घोड़े को कुदवा रहा हूँ तो भाई साहब हमारा जो जेसीबी
है, उसके भी यहाँ पर दो टायर यहाँ पर ऊपर हो जा रहे हैं एक साइड वाले। बाकी यहाँ पर जैसे मैं अपने जॉयस्टिक को मूव कर रहा हूँ तो हमारे जेसीबी का यहाँ पर जो विंडो का दरवाजा है वो यहाँ पर हमारा हिल रहा है। बात तो यहाँ पर ये वाला हमारा कन्फर्म डे। तो बस फिर यार गाइस आज की समर वीडियो के अंदर बस इतने कुछ मिस जो कि आप सब लोगों ने मुझे कमेंट किया और मैंने अपनी वीडियो के अंदर ट्राई किए। तो यार दोस्तों अगर आप सब लोग हमारी वीडियो पसंद है तो फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भाई साहब। अब तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि भाई साहब मेरे को बुखार हो रखा है, फिर भी मैं आप सब लोग के लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो इसी बात के लिए तो यार फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भाई साहब इस वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि वीडियो बनाते बनाते भाई साहब मेरा सर चकरा गया, मेरे को इतना ज्यादा फीवर हो रखा है, फिर भी आप सब लोग के लिए मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल यार गाइज़।